यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जैसे मैं शॉप से ऐप को खोलता हूँ तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली बंद हो रहा है, ठीक है। जैसे ही मैं शॉप से ऐप को दो बार खोल लिया, यहाँ पे फिर से आप देख सकते हैं जैसे शॉप से ऐप खुलता है थोड़ा टाइम वेट करते हैं पर ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। तो क्या दिक्कत है और शॉप से ऐप बंद क्यों हो रहा है, चल नहीं रहा, तो कैसे आप इसे ठीक करोगे, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। शॉप से ऐप ऑटोमेटिकली बंद हो रही है, ऑटो बैक आ रहा है, तो इसके लिए आपको कुछ तरीके बताऊँगा, उसे फॉलो करना है। सबसे पहले यहाँ से सारे ऐप को मिनिमाइज़ कर दीजिएगा। ये देखिए सारे ऐप हमने मिनिमाइज़ कर दिए है। रिसेंट ऐप जो खोले थे उसको बंद करना है। अब उसके बाद आपको सेटिंग में जाना है अपने फ़ोन की, और सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे ऐप्स के ऊपर क्लिक करना होगा। फ़ोन के सारे ऐप्स मिल जाएंगे, वहाँ पे आपको जो है शॉपसी का ऐप इन्फो खोल लेना है। शॉपसी ऐप के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद देखिए स्टोरेज लिखा है, स्टोरेज में चले जाना है और उसके बाद क्लियर डाटा आपको कर देना है, ठीक है। आपने क्लियर डाटा आप शॉपसी का कर दिया है, देखते हैं इससे काम बनता है या नहीं। यहाँ पे हमने शॉपसी को वापस से ओपन किया। अब यहाँ पे ये लोड लेगा थोड़ा सा, और यहाँ पे आपको लैंग्वेज चूज़ करने के लिए बोला जाएगा। लैंग्वेज हमने ले ली है, कंटिन्यू बटन पर क्लिक किया, हमारा शॉपसी जो है अब ठीक ठाक चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो यही प्रोसेस आपको भी कर लेना है, इससे आपकी जो प्रॉब्लम है वो आराम से फिक्स या फिर ठीक हो जाएगी। बहुत ज़्यादा हार्ड प्रोसेस नहीं है, सिंपल तरीके से आप इस प्रोसेस को करेंगे और आपकी जो प्रॉब्लम है वो फिक्स हो जाएगी। एक और चीज़ अगर आपका फिर भी नहीं चल रहा है तो एक और काम करेंगे कि अपने फ़ोन को एक बार मतलब अपने फ़ोन को रिस्टार्ट करना है, फ़ोन को रिस्टार्ट करना है यानी फ़ोन को बंद करके चालू कीजिएगा, इससे भी आपकी जो प्रॉब्लम है वो ज़रूर फिक्स हो जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।